यादों का है विशाल आकार, संजो रखा है जीवन काल, प्रेम और करुणा की प्रतिमा, शिक्षा के चरागों की ज्योति, न केवल एक परोपकारी महिला बल्कि हर निर्बल की माँ, दया से सराबोर मदर टेरेसा। मैं श्रेया चतुर्वेदी, कार्मल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमलाई, आपके समक्ष महापरोपकारी मदर टेरेसा के जीवन काल, उनकी महान उपलब्धियाँ, उनकी धार्मिक संस्था, उनकी नम्रता व स्नेहशील स्वभाव के बारे में बताना चाहूँगी। उनके कार्यों व प्रेमशील महान विचारों की सराहना आज भी प्रत्येक व्यक्ति करता है। उनका हर एक कथन हमारे देशवासियों के हृदय के आज भी करीब है और अनंत काल तक प्रकाशित रहेगा। उनके कथनों में से एक कथन जो उन्होंने अपने संगठन मिशनरीज ऑफ चैरिटी की मंडली को संभाषण करते हुए आग्रह किया था कि जो जीवन दूसरों के लिए नहीं जिया जाए वह जीवन जीवन नहीं। मदर टेरेसा बहुत ही प्रेरणाशील प्रवृत्ति की महिला थी। उनका नाम अग्नेज निकोल बोयाजू था और वह साधारण व्यक्तित्व की थी। वह परिवार में सबसे छोटी थी। उनकी माता का नाम ज्वना बोयाजू था और उन्हें अपनी माँ से बहुत लगाव था। बचपन से उन्हें कैथलिक मिशनरियों की कहानियों को सुनने में अत्यंत रुचि थी और 12 साल की उम्र होते होते उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि वह अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित करेंगी। उन्होंने 18 साल की उम्र में सिस्टर्स ऑफ लोराटो में शामिल होने का फैसला लिया और 6 जनवरी 1929 को वह कोलकाता के लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची और मुख्य अध्यापिका के रूप में नियुक्त हुई। आसपास फैली गरीबी, दरिद्रता और लाचारी से मन अशांत होने के कारण 1946 में उन्होंने गरीबों, असहायों, बीमारों और लाचारों की जीवन भर मदद करने का मन बनाया। दुनिया को दया और प्रेम का पाठ पढ़ाने वाली मदर टेरेसा ने 7 अक्टूबर 1950 को कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की। मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक रोमन कैथोलिक स्वयंसेवी धार्मिक संस्था है जो कि दुनिया भर में मानवीय कार्यों से जुड़ा है। वर्तमान में यह दुनिया के 120 से अधिक देशों में उपस्थित है। मानवीय कार्यों से जुड़ी इसमें लगभग 4,500 से भी अधिक ईसाई मिशनरियों की मंडली है। आज भी यह संस्था मानव सेवा में जुटी है और देश निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मदर टेरेसा जी के अद्भुत कार्यों से हमारे देश के बहुत से लोग प्रेरित हुए। इन लोगों में देश के उच्च अधिकारी एवं भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल थे जिन्होंने उनके कार्यों की सराहना की। मदर टेरेसा जी को 1962 में पद्मश्री, 1979 में नोबेल पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। खराब सेहत के कारण 5 सितंबर 1997 को उनका देहांत हो गया, लेकिन आज भी उनके मानवता के प्रति किए गए योगदानों को पूर्ण रूप से प्राथमिकता दी जाती है। पॉप जॉन पॉल द्वितीय ने 19 अक्टूबर 2003 को उन्हें धन्य घोषित किया और 4 सितंबर 2016 को उन्हें संत पद की उपाधि भी दिलाई गई। दयापूर्ण विचार सरलता से बोले जाने वाले होते हैं, लेकिन उनकी गूंज की कोई सीमा नहीं होती और जो व्यक्ति परमात्मा में विश्वास रखता है वही अमर चैन प्राप्त करता है। मदर टेरेसा ने कहा है कि सबसे प्रेम करें, निर्बलों की मदद करें, क्योंकि क्या पता कहीं वह ईश्वर ही आपके समक्ष मानव रूप में उपस्थित हों। मदर से प्रेरणा लेकर उनके विचारों व सिद्धांतों को अपनाकर हम सदा अच्छे कर्म करें, निर्बलों की मदद करें। मैं बस यही कहना चाहूँगी, प्रार्थना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ईश्वर की सेवा में, उनकी भक्ति में हमें लीन रहना चाहिए। जहाँ जाएं प्यार फैलाएं, हमेशा यह मंशा रखें कि जो भी आपके पास आए वह खुश होकर लौटे। मदर यही चाहती थी कि सभी लोग दया, प्रेम, करुणा व शांति के साथ मिलकर सदा मुस्कुराते रहें, क्योंकि प्रार्थना ही शांति का प्रतीक है और शांति की शुरुआत मुस्कुराहट से होती है। धन्यवाद।